हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टॉट्स एंड मॉम्स किचन में। मेरा नाम है कविता। आज मैं बना के दिखा रही हूँ एप्पल क्रम्बल आपको, जो बच्चों को ऑफ़र किया जा सकता है। और क्योंकि इसमें मैंने शक्कर नहीं यूज़ किया है तो बहुत ही हेल्दी है, और इसमें मैंने कोई अंडा भी नहीं यूज़ किया है तो हर कोई इसे बना सकता है। बहुत आसान और टेस्टी सा रेसिपी है। और एप्पल क्रम्बल जो जनरली बनता है उसमें शक्कर यूज़ किया जाता है, और मैंने यहाँ पर गुड़ यूज़ किया है, और थोड़े बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस जो रहते हैं छोटे बच्चे को ऑफ़र नहीं कर सकते, तो मैंने सिंप्लीफाई करके बनाया है। कैसे आप देखिएगा। सबसे पहले इस एप्पल क्रम्बल को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए होगी उसकी पट्टी देख लीजिएगा। अभी एक फ्रेश एप्पल ले रही हूँ यहाँ पे। इसका स्किन जो है पहले निकाल देंगे, और इसका बीज निकाल के इसे एक मोटे से ग्रेट में हम कद्दूकस करेंगे। बहुत पतला ग्रेटर है तो मत यूज़ कीजिएगा, मोटा ही बेहतर है। वरना क्योंकि दूसरे जो बनाते हैं वो इसका पीसेस रखते हैं और उसे पकाते हैं, तो वो स्टेप स्किप करने के लिए ये आसान सा मेथड। सो दालचीनी का पाउडर मैंने डाला है, उसके साथ पाम शुगर डाला है। ये गुड़ का एक फॉर्म है जो बहुत हेल्दी है, शक्कर नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसे रख देंगे बगल में, बाद में यूज़ करेंगे इसे। तो एक स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम बाउल में पाम शुगर उसी को यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ ये कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, आप चाहे तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। और अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दीजिएगा। सिर्फ एक दो मिनट लगेगा यहाँ पे। और बाद में मैं डाल रही हूँ गेहूँ का आटा। आप चाहे तो पूरा गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर ओट्स है तो यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा सा टेक्सचर देता है, टेस्ट भी देता है, और क्रम्बल थोड़ा ज़्यादा होता है क्रिस्पी जैसे। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम, और ये हमारा टॉप लेयर के लिए तैयार हो चुका है क्रम्बल। अभी इसे हम प्लेटिंग जैसे बनाएंगे, बेकिंग के लिए तैयार करेंगे। इसे हम एक पैन में स्प्रेड कर रहे हैं। आप वाइड पैन लीजिएगा, बहुत मोटा ऐसे हमें नहीं करना है, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, मेरे पास बड़ा बाउल नहीं था और मैंने डबल अप कर लिया था इंग्रेडिएंट्स, तो मैंने ऐसे बना दिया। तो छोटा सा बाउल जो वाइड है, जो बड़ा है, वो अच्छा रहेगा। और दोनों को ऐसे लेयर अप करके हमें इसे अवन में रखना है। तकरीबन 45 मिनट्स हमें इसे पकाना है एट 180 डिग्रीज। और ऊपर देखिएगा अभी गोल्डन क्रस्ट जैसे बन चुका है। इसे हम काट के या ऐसे ही स्पून से निकाल के परोस सकते हैं। ऊपर आपको केक जैसे तो नहीं रहेगा, बट क्रम्बली टेक्सचर ऐसे मिलेगा। नीचे का हिस्सा जो है वो सॉफ्ट है, तो बच्चों को एप्पल क्रम्बल ऐसे टेक्सचर में बहुत ही पसंद आएगा। वो चाहे तो स्पून से खा सकते हैं, हाथ से उठा के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट टेक्सचर्ड एप्पल क्रम्बल तैयार है। बहुत ही आसानी से इसे घर में बना सकते हैं, और मुझे बताइएगा अगर ट्राई करेंगे तो कैसा लगा। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे भी मैं हूँ, और रेगुलरली मैं ऐसे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो दूसरे वीडियोस के रेकमेंडेशन, रागी और ओट्स के कपकेक कैसे बनाया जाता है वो चेक कीजिएगा, और एप्पल राइस पुडिंग मतलब एक बाउल में खीर के जैसे बच्चे को कैसे बना के देना है वो मैंने दिखाया है, वो चेक कीजिए। और चॉकलेट ब्राउनी मिक्स से एक मिक्स बना के रख लिया, तो आप जब भी बच्चे को चाहे तो ब्राउनी बना के दे सकते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल रेसिपी है, बहुत लोगों ने इसे सराहा है, तो डेफिनेटली देखिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अच्छे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और बाय कहने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाइएगा। चलिए बाय।